अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ऐसी डिश लेकर आई हूँ जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आने वाली है, जिसका नाम है हॉट डॉग। और आज हम इसको घर पे बनाएंगे, वो भी ब्रेड से। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 3 ब्रेड स्लाइस। आप फ्रेश ब्रेड ही इस्तेमाल करना। इसको मैं साइड से कट कर ले रही हूँ, जो ब्राउन पोर्स है उसको हम हटा देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा खाने में। और आज हम इसको घर पे बना रहे हैं, तो आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें घर पे बनाकर। ब्रेड को हल्का सा फ्लैट कर लेंगे हम बेलन की मदद से। इस तरीके से हो जाएगा ब्रेड। यहाँ मैंने बॉईल किए हुए आलू लिया है, इसको मैंने मैश कर लिया है अच्छे से। अब इसको, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स, टमेटो सॉस ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। ये देखिए मिक्स हो गया है। और हम इसकी रोल बना लेंगे, छोटे छोटे रोल बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ मैंने लिया है एक अंडा, इसको मैं अच्छे से फेंट लूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो देखने को मिले। अब हमने ब्रेड का स्लाइस लिया है, अब इस पर मैं अच्छे से अंडे को लगा दूंगी। अंडे का जो बैटर है इसको अच्छे से लगा दूंगी मैं इस पर। यहाँ मैंने लिया है चीज स्लाइस, इसके अंदर हम रखेंगे जो हमने आलू के रोल बनाए थे वो। अब इसको फोल्ड कर देंगे। ध्यान रहे हमें ये बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए, अगर ये खुल जाएगा तो फिर फ्राई करते पे दिक्कत होगी। आप इसको अच्छे से ऐसी रोल कर दें, अंडे की मदद से चिपका दें साइड में लगाकर। अब इसमें डिप करेंगे, अच्छे से कोट हो जाएगा ये। अब यहाँ मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, इसको भी अच्छे से कोट कर देंगे चारों तरफ से। ब्रेड क्रम्स लगाने से जो हमारे हॉट डॉग्स हैं वो बहुत करारे बनेंगे। इसी तरीके से सारी ब्रेड कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। हल्के हाथ की मदद से इसको हल्के से हिलाएं। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। बाहर से करारे, अंदर से जूसी निकलेगा, क्योंकि इसमें चीज डला है। ये देखिए रोल हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए लग रहे हैं ना, बिल्कुल बाजार वाले स्टाइल के, जो बाजार से लाकर खाते हैं। आज हम इसको घर पे ही बना रहे हैं, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें गार्निश करेंगे, फ्रेश क्रीम से गार्निश कर रही हूँ मैं। और थोड़ा सा टमेटो केचप, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।